नेहा पटेल, न्यूज अब तक से। और आज हम पूरा कोई गांव में आए हुए हैं जहां के प्रधान बच्चू चौहान है। यहां पर इतनी गंदगी है और यहां के जो ग्रामवासी हैं, इन लोगों को ना तो एक भी कॉलोनी और ना ही शौचालय का पैसा मिला है और ना ही इन लोगों के लिए अच्छी नालियों का व्यवस्था की गई। इतनी गंदी नाली है, इतनी बदबूदार नाली है, यहाँ पर कोई भी सफाई नहीं होती इस गांव में। और यहाँ के जो कोटेदार हैं वो इन लोगों को राशन भी नहीं देते, उनको मतलब बोलते हैं कि आप कोरोना की सुई लगवाइए तब। और मैं बता दूं कि कोरोना की सुई 45 वर्ष से जो ऊपर होगा उसको ही लगेगी, नौजवान लड़कों को नहीं लगेगी। लेकिन इन लोगों को फिर भी राशन नहीं मिल रहा है और इन लोगों के गांव की इतनी बेकार हालत, एकदम नर्क से भी बदतर ये हाल है। और यहाँ के जो प्रधान है बच्चू चौहान, वो खाली सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं पैसा ले लेकर। और बोला जा रहा है कि 1000, वो बच्चू चौहान जो है वो बोल रहे हैं कि 1000 रुपए दीजिएगा तभी हम आपका राशन कार्ड बनाएंगे और 10000 रुपए दीजिएगा तब हम आपको कॉलोनी पास करवाएंगे। चलिए आज हम इसी बारे में लोगों से बातचीत करते। दादी आप अपना नाम बताइए। बताओ जल्दी। नाम क्या है आपका? दादी रब्बो। रब्बो दादी आपको क्या यहाँ पर सब